सुनो, कितना बड़ा पंखा है यहाँ पे, और बहुत बड़ा पंखा है और काफ़ी हवा अच्छी आ रही है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। और देखो यहाँ पर धूम लगाड़ों के साथ माता का स्वागत कर रहे हैं लोग, बात अपनी अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं और सदर लोग माता रानी के यहाँ जो भी आता है यहाँ मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है एक एक चीज़ की, यहाँ पे सब चीज़ लोगों को देखा जाता है और फिर किया जाता है। ये यहाँ विश्राम करें, वह अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है था वो अभी पता है कोरोना की वजह से बंद हो चुका है, वहाँ काफ़ी कम कीमतों पर अच्छा भोजन पता प्राप्त होता है। ये माता रानी का भवन है जो अभी हम पता है रेलिंग पर चल रहे हैं, और उसके ये रेलिंग ख़त्म होते ही माता जी का भवन आया था। देखो ये माता जी का भवन है, आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा वाइट वाइट कलर का, ये माता रानी का भजन। हाँ देखो ये सामने से पता दिख रहा है जो द्वार है, जो माता रानी के जो एग्जिट गेट है ये, हाँ देखिए यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था भी है। आइए यहाँ पे और माता रानी के दर्शन कीजिए। मैं तो हर लोग बाबू से यही कहना चाहूँगा यहाँ पे आओ और माता रानी के दर्शन करो। जगह जगह फूल लगाए जा रहे हैं और यहाँ गर्मियों का कोई एहसास नहीं है, यहाँ पे कितनी भी गर्मी पड़े पर यहाँ पे कोई एहसास नहीं होता। जगह जगह कूलर हैं, जगह जगह अच्छी व्यवस्था है, मेरी मानिए तो आप यहीं से निकल जाइए क्योंकि वहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं है, लोग आगे वहाँ बढ़ नहीं रहे हैं तो ये व्यवस्था थोड़ी सी टफ हो रही है। पंकज जी इधर से ही आ जाइए आप, क्योंकि लोग थोड़ा आगे चल रहे हैं। ये माता जी के भवनों में हम पहुंच गए, ठीक है भवन में एंटर हो चुके हैं। ये माता रानी का भवन है और ये यहाँ बैरिकेडिंग लगा चुके हैं सब लोग, ये पूरा पंडाल है माता रानी का, यहाँ पे नियम लिखे हुए हैं विनम निवेदन के साथ, आदमी को सुबह करें कोरोना काल चल रहा है तो उससे। ये यहाँ नारियल चढ़ाने का स्थान है और ये काफ़ी भव्य पता है यहाँ गुब्बारों को लगाया हुआ है, बलून को काफ़ी अच्छी सजावट की हुई है माता रानी के यहाँ। और ये हम जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, हम मंदिर में एंटर हो रहे हैं। अब मैं पता वीडियो नहीं बना पाऊँगा दोस्तों, तो आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को प्लीज़, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर करें, कर रहे हैं भैया।